गोरखपुर लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और एक स्टेशन पर रुकी हुई है इस वक्त, और बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाहर मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश, लेकिन उत्साह, छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी, और जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आए हुए हैं। और ये जो तस्वीरें यहाँ पर पीछे की तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए कि काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे जो ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, और इस स्टेशन से जब गुजरेगी तो वो उसको देखेंगे नज़दीक से। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मिजाज की अगर बात करें, उस लिहाज से अगर देखें तो गोरखपुर का ये क्षेत्र और पूर्वांचल की राजनीति को साधने के मकसद से जिस तरीके से विकास योजनाओं की सौगात दी गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव है। और उस लिहाज से जो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज ख़ास तौर से यहाँ पर देखने को मिला है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है इन चेहरों को देखकर कि वो किस राजनीति और दिशा की ओर इशारा करते हैं। ये चेहरे जो काफ़ी लंबे इंतजार से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी भीग गए, तो ये ना परवाह करते हुए, और पीछे की तरफ वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको जो वहाँ पर पुलिस उनको संभालने के लिए कोशिश कर रही है, जो जो यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी हैं मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, लेकिन नारे भी लगा रही हैं और रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये ज़रूर है कि ये तस्वीरें, छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, और वंदे भारत के नारे लगाते हुए जोश में वो दिखाई दे रहे हैं, और छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और ये पूर्वांचल का जो राजनीतिक मिजाज है उसको ये ट्रेन जगह जगह जहाँ स्टेशन पर रुकती है उसको दिखाती है, बताती है, और ये समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो ट्रेन चल रही है, कई राज्यों में लॉन्च हुई है, और उसमें जो स्टेशन पड़ते हैं उसके बाद वहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं या उससे सटे हुए इलाके हैं, वहाँ के लोग आते हैं और उत्साह के साथ इस ट्रेन का स्वागत करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है, और ऐसे में शहरों को समेटने के लिए, उनकी दूरियाँ समेटने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में गोरखपुर और लखनऊ के बीच जो लॉन्च हुई है ट्रेन, और उसके बीच जो स्टेशन है, यहाँ पर मौसम के बदले मिजाज के बावजूद लोग जमे हुए हैं, भीग गए हैं, लेकिन उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।